हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली आप देख सकते हैं न्यू एडिशन का न्यू कलर, जो कि ब्लू कलर में आपको ग्लैमर देखने को मिलता है एक्सटेक्स में। और ये आपको न्यू मॉडल का 2022 मॉडल का न्यू कलर आपको देखने को मिलता है। जो पहले आता था उसका कलर का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है, बट ये जो आप देख सकते हैं इसका कलर का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है। ब्लू का साथ हल्का व्हाइट का कॉम्बिनेशन लाइनिंग में आपको देखने को मिलता है। पीछे आप देख सकते हैं इसका ये जो है आपको सोकर वो रेड कलर में देखने को मिलता है। बाकी आप देख सकते हैं ये फुटरेस आपको बहुत ही अच्छा तरह से दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन में। आप पीछे से बैक लाइट आप देख सकते हैं, वो काफ़ी कंफर्टेबल माना जाता है बैक लाइट। और काफ़ी बेस्ट कलर आपको इस सेगमेंट में मिल गया है, जो कि ब्लू कलर का बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहता था, वो डिमांड आपको मिल चुका है। क्योंकि बहुत सारा कलर आपको देखने को मिलता था, पहले आता था आपको ब्लैक, रेड एंड बहुत सारा अदर कलर में, बट अब मिल जाएगा ये ब्लू कलर में। और ये DRL सबसे बेस्ट लगता है अभी के जेनरेशन में, DRL बहुत ही चल रहा है। तो मेरे हिसाब से ग्लैमर में जो DRL उतारा है सबसे बेस्ट लगता है। इसका हेडलाइट मुझे बहुत ही पसंद है, कमेंट सेक्शन में बताना कि इसको आपको हेडलाइट पसंद है कि नहीं। बट इसका ग्लैमर का जो 3D का आप देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। आपको एक्सटेक्स का लोगो यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये आप देख सकते हैं साइड से कुछ पैनल उस तरह से आपको दिख रहा होगा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। IT3S का लोगो देखने को मिलता है। और मिडल कंसोल की जहाँ तक बात करें, फुल्ली डिजिटल में मिलता है देखने को, बट इसमें चाबी नहीं है तो मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। बट ये बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में मेरे हिसाब से। इसका एलॉय भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है, कुछ अलग थोड़ा आपको देखने को मिलता है। बाकी गाड़ी से कुछ अलग आपको देखने को मिलता है, यहाँ से कुछ हल्का सा मूव कर दिया है, इसलिए बहुत ही अच्छा लग रहा देखने में। और ये साइड में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हल्का सा वाइट का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, और यहाँ ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। बाकी इंडिकेटर लाइट तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि ये जो स्मूथ बनाया है कुछ इस अलग तरह से बनाया है, इसलिए बहुत ही अच्छा लगता देखने में। और आपको कमेंट करना है कि ये कलर आपको फाइनली कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही बेस्ट बाइक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हीरो ने इस बार बहुत ही अच्छा तरह से ग्लैमर को उतारा है, और बहुत ही ज़्यादा डिमांड है और बहुत ही ज़्यादा बिक भी रहा है आप देख सकते हैं। तो गाइस, यही छोटा सा इन्फॉर्मेशन था इस बाइक के लिए। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक क्यों नहीं करते हैं, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि यार ऐसे लेटेस्ट वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।